जिला मुरैना में नाइट कॉम्बिंग गश्त के दौरान जिले के समस्त थानों में 31 स्थायी वारंटी, 104 गिरफ्तारी वारंटी, इस प्रकार कुल 135 फरार वारंटियों को किया गिरफ्तार। कॉम्बिंग गश्त के दौरान थाना नूराबाद, थाना अम्बहा पुलिस के द्वारा 3 आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 45 पेटी अवैध शराब एवं 2 कार कुल मशरूका कीमत तकरीबन 13,83,000 रुपये का जब्त किया गया। कॉम्बिंग गश्त के दौरान एक इनामी बदमाश तथा 299 जाफों में फरार एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया एवं विभिन्न अपराधों में वांछित 15 आरोपियों को पकड़ा गया एवं 5 हिस्ट्री शीटर बदमाशों की चेकिंग की गई। कॉम्बिंग गश्त 39 जिला बदर आरोपियों को चेक किया गया। चेकिंग के दौरान थाना निरार पुलिस द्वारा एक जिला बदर आरोपी को जिले के सीमा में पाए जाने पर उसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर जेल दाखिल किया गया। पुलिस मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश के नाइट कॉम्बिंग गश्त अभियान के दिशा निर्देशों में पुलिस अधीक्षक जिला मुरैना समीर सौरभ द्वारा जिले के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को नाइट कॉम्बिंग गश्त आयोजित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त निर्देशों के तारतम्य में दिनांक 4/10/2024, 5/10/2024 की मध्यरात्रि को मुरैना जिले के समस्त अनुभागों एवं थाना क्षेत्रों में 233 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में नाइट कॉम्बिंग गश्त आयोजित की गई। संबंधित अनुविभागीय अधिकारीगण के द्वारा अपने अपने अनुभाग क्षेत्रों में एवं संबंधित थाना प्रभारियों के द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्र में नाइट कॉम्बिंग गश्त की गई।